हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पुरानी शर्ट से एप्रन बनाना बताएंगे। इसे बनाना बड़ा ही आसान है और कुछ ही मिनटों में आप इसे बना सकते हैं। जो शर्ट हमने इसमें ली है उसकी लंबाई 28 इंच और चौड़ाई 20 इंच है। सबसे पहले सिलाई के साथ कट करते हुए इसकी बाजू को अलग कर दें। इसी तरह कॉलर भी अलग कर दें। अब शोल्डर वाली साइड से भी कट कर लें। शर्ट में बैक साइड पार्ट में डबल कपड़ा लगा होता है, इसमें से एक को कट करके अलग कर लें। फ्रंट पार्ट को कटिंग करके सीधा कर लें। इसी तरह बैक पार्ट को भी कटिंग करके सीधा कर लें। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से थोड़ा छोटा है, इसके लिए बाजू में से थोड़ी कपड़े की पट्टी निकाल कर इसे आगे वाली साइड अटैच करके बैक पार्ट के बराबर कर लेंगे। अब शर्ट को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर से 5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से कटिंग करेंगे। अब बाजू में से 3 इंच चौड़ी और 21 इंच लंबी 3 पट्टियां निकाल लेंगे। इस तरह पट्टियां निकाल कर इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये शर्ट की सीधी साइड है, इसे पलट लें और इसे उल्टा कर लें और पट्टी को अंदर वाली साइड इस तरह से रखें और उस पर सिलाई लगा लें। बाकी की दो पट्टी भी इस तरह यहाँ से एक एक इंच का कट लगाकर पट्टी को अंदर वाली साइड कर दें। और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लें।
ये सिलाई हमने लगा ली है, अब इसे पलट कर सीधा कर लें। इसका लुक कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस पर टॉप सिलाई लगा लें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।